फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 का, उसके पास काफ़ी सारे पावर्स होते हैं। जी हाँ, जो फैमिली कोर्ट होती है, ऐसा नहीं है कि अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए भरण पोषण की यानी मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें, या एलिमनी की बात करें, जो वन टाइम सेटलमेंट एक बड़ा पैसा मिलता है ना, उसके बारे में एलिमनी बोला जाता है। और मेंटेनेंस जो हर महीने का खर्च होता है, उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। तो चाहे मेंटेनेंस या एलिमनी किसी की भी बात हो, कोर्ट रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, लड़के का भी लड़की का भी। आपके क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड आप कितना पे कर रहे हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, आपको कितनी आपके जॉब से पैसे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा कोर्ट आपसे मांग सकती है, आपको देना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और वाइफ को हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो एसेट्स की हो या प्रॉपर्टी की हो या बैंक डिटेल्स की हो, तो डायरेक्टली वो फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे करके ये सारी की सारी डिटेल्स ले सकती है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं हूँ अशोक पांडे। शुरुआत करेंगे वीडियो की, इसके पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का जो कानून है, उसके धारा 10 के बारे में, सेक्शन 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 10 ये कहता है कि कोर्ट के पास क्रिमिनल और सिविल दोनों ही तरीके के पावर होते हैं। जी हाँ, सिविल और क्रिमिनल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है फैमिली कोर्ट एक्ट का, वो कैसे गवर्न होगा। मान लीजिए समन करने हैं, एक पार्टी को बुलाना है या कुछ, तो तलाक का जो मामला है वो ऐसा तो नहीं कि पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है तो ये कोई क्रिमिनल केस हो गया। क्रिमिनल केस तो नहीं हुआ ना, ये तो सिविल मैटर ही है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो कानून है वो गवर्न करेगा। लेकिन क्योंकि जो मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें, तो मेंटेनेंस कहां पे दिया हुआ है, 125 सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल लॉ है। तो मतलब फैमिली कोर्ट एक्ट के पास दोनों ही तरीके के पावर होते हैं, जो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों में है, वेस्टेड है, वो दोनों ही पावर कोर्ट एम्फेसिस करती है, दोनों ही पावर्स को कंफर्म करती है। अब इसके बाद अगर सेक्शन 10 की बात करें, तो वापस से मैं कहूंगा कि सीआरपीसी और सीपीसी, जो क्रिमिनल लॉ है और जो सिविल लॉ है, दोनों की पावर कोर्ट के पास में है। तो अब वो क्या कर सकती है, एक पार्टी को या दोनों पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को कोर्ट अगर चाहे तो समन या नोटिस सर्व कर सकती है, और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन जो ऑपोजिट पार्टी है उसे देना पड़ेगा। मान लीजिए पत्नी को पति की डिटेल्स चाहिए, किससे संबंधित, इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट डिटेल्स, या पति कितनी अर्न कर रहा है, अर्निंग कर रही है उससे संबंधित, या कि पति को पत्नी की डिटेल चाहिए, जो मैंने अभी कहा वही सारी डिटेल्स यदि पति को चाहिए, तो कौन सी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आपको देना पड़ेगा। जब कभी भी आप प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन देते हैं, तो सेक्शन 10 का स्पेशली आपको रेफरेंस लेना है, जहां पर कोर्ट समन इशू कर सकती है, नोटिस इशू कर सकती है, और दोनों ही पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को कह सकती है कि आप अपने 1 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, या आपके क्या एसेट्स हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कीजिए। ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, मतलब आपको झूठ ना कहें, आप वास्तविक तौर पर जो सच बात है पूरी की पूरी चीजें आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। अगर नहीं किया तो उसके दूसरे कॉन्फ्रेंटेशंस होते हैं, वो मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको अर्निंग की डिटेल्स निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहला, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन आपको देना है, और जो ऑपोजिट पार्टी है या दोनों ही पार्टी, कोर्ट उनको कह सकता है कि आप इतना ब्यौरा इतने समय के अंदर कोर्ट में जमा करें, डिपॉजिट करें। जब आप डिटेल्स जमा करते हैं कोर्ट के सामने, जब डिटेल्स देते हैं, तो कोर्ट को आसानी होती है कि एलिमनी या मेंटेनेंस, भरण पोषण या जो एलिमनी होती है, वन टाइम सेटलमेंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, कोर्ट को आसानी हो जाती है उस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को जानने के लिए। बिकॉज जज तो कोर्ट में बैठा हो, उसे तो नहीं पता कि आप कितना कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। उसका दो तरीका है, एक तो जो अपोजिट पार्टी है वो सारे डिटेल्स प्रस्तुत करें, या कि आप खुद कोर्ट को बता दें, और या कि फिर कोर्ट आपको कहे कि आप अपने सारे डिटेल्स या डॉक्यूमेंट
सबमिट करें। अब इसकी जरूरत क्यों है, आखिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कोर्ट को क्या इंटरेस्ट है, कोर्ट क्यों बुलाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स, ये तो आप कह सकते हैं आपके प्राइवेट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, कोर्ट के पास पावर है, वो कभी भी बुला सकती है। उसके पीछे वापस से मैं यही कहूंगा कि कोर्ट केवल इसलिए ऐसा करती है कि जिससे निर्णय करने में, ऑर्डर पास करने में, डिसीजन देने में आसानी हो जाए और दोनों ही पार्टीज का जो केस है वो आसानी से समाहित किया जा सके, कंक्लूड किया जा सके। इसके बाद एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां पर ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कि आखिर ट्रांसफर ऑफ केसेस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट कैसे ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जरूर बात करेंगे, सेक्शन 10 का वापस से हम लोग रेफरेंस लेंगे और इसके साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। आपको ये पर्टिकुलर जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपका हमेशा की तरह कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।